ये मायदे उसके बाप के थे और उसके चाचे जरदारी के थे। इस मुल्क में लोगों की नंगी वीडियो बनाओ, उन्हें ब्लैकमेल करो और हुकूमत में डंडे के जोर पे करो। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सपोर्टर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई हैं आप? मैं पिंडी से आई हूँ। क्या मकसद है यहाँ पर आने का? हम लोग जो है ना सिर्फ इस मकसद से आए हैं कि हमें पाकिस्तान को चोरों से, लुटेरों से, दगाबाजों से, ये जितने भी गद्दार हैं इनसे जान छुड़ानी है और इमरान खान को लेके आना है, क्योंकि कभी भी जो है ना पाकिस्तान की आवाम को इतना ज़्यादा शऊर आ गया है कि वह अब गद्दारों को पहचान चुकी है। जो बारियां लगाते थे, अब तेरी बारी, अब मेरी बारी, अब तेरी बारी, अब मेरी बारी। इमरान खान ने कभी बारी नहीं लगाई, वो फर्स्ट टाइम आया और वो छा गया। उसने दुनिया के घरों दिलों में अपना घर किया, आवाम को शऊर दिया, हमें शऊर दिया। इन्होंने आते सार जो है ना वो आके तो जो है ना एक हफ्ते में दो दो दफ़ा पेट्रोल, फिर बिजली, फिर गैस, फिर आप बताएं उसके साथ एक पेट्रोल के साथ कितनी हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी होती हैं, तो आप बताएं कि फैमिलीज कैसे गुजारा करेंगी। तो मरियम साहिबा कहती हैं इमरान खान साहब ने IMF के साथ वादे किए थे जिसकी वजह से महंगाई हुई है। ये वादे उसके बाप के थे और उसके चाचे जरदारी के थे, इमरान खान के कोई नहीं थे। इमरान खान ने तो जो है ना वो सबको कह दिया था एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, और वो जो है ना वो बिल्कुल मैं ये कह रही हूँ बेटा, ये मरियम का एक ही मुआहिदा है इस मुल्क में, लोगों की नंगी वीडियो बनाओ, उन्हें ब्लैकमेल करो और हुकूमत में डंडे के जोर पे काम। जो आपके साथ जो है ना वो जो तुम्हारे खिलाफ जाएगा उसकी वीडियो दूसरे दिन वायरल होगी, जजेस की वीडियो इसके पास है, चीफ इलेक्शन कमीशन की वीडियो इसके पास है। तो क्या वो कहते हैं PTI वाले बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं। हम क्यों इल्जाम लगाते हैं, खुद ही तो वीडियो वीडियो जारी करते हैं वो। अच्छा, वो कहते हैं कि PTI वाले बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं। PTI वाले बिल्कुल झूठे नहीं है, जैसा उनका लीडर सच्चा है वो भी सच्चे। नहीं, वीडियोज के हवाले से आपने कहा कि उनके पास वीडियोज हैं, क्या सबूत है आपके पास कि उनके पास वीडियोज हैं? किसके पास? आप TV में रोज नहीं देखते? TV में आपने नहीं देखा? अरशद मलिक की नहीं देखी वीडियो आपने? आप तो वीडियो में हैं, आप तो मीडिया में, आपको नहीं पता? नहीं, वो नहीं, मैंने सवाल रखा है, उन्होंने जो इल्जाम लगाया वो खुद मानती है इन चीज़ों को, वो खुद मानती है कि मेरे पास सब कुछ है। नहीं, जो महंगाई हुई है वो IMF के साथ वादों की वजह से हुई है आपके ख्याल में? इन्होंने की है? नहीं, इन्होंने किया जान के। अभी ये आए हैं, इनको पता है कि अब हमने नहीं आना, लोगों में इतना शऊर आ चुका है, अब हमारी आखिरी बारी है। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं इमरान खान साहब के अपने लोग कहते हैं कि खान साहब पागल है, वो राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। राणा सनाउल्लाह पहले हिसाब दे मॉडल टाउन के शहीदों का, हाँ जी, उसके बाद करे। जो खुद चोर है वो किसी की बात क्या करेगा, बताएं मुझे। आप मुझे बताएं, जो खुद मॉडल टाउन साना के कितने लोग शहीद हुए थे, प्रेग्नेंट माओं को उनके मुंह में गोलियां मारी थी, तो उस